नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पीछे मेरे जो चार पार्ट हुए थे वो सब गोचर के बारे में थे। इससे वाला जो ये लेक्चर है, अब 51 नंबर लेक्चर है, ये एक तरीके से गोचर टाइप का ही है पर थोड़ा डिफरेंट है। मैं इसमें आपको दरअसल ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा अक्सर के लोग टीवी पे या कहीं रेडियो पे बताते रहते हैं कि भाई आपका आज का दिन कैसा होगा, आज का दिन आपका कैसा जाएगा, आपका आने वाला समय कैसा रहेगा कुछ समय के लिए। तो वो कैसे बताते हैं? वो मतलब एक अजीब सी चीज होती है कि वो किसी भी राशि के लिए बोल देते हैं कि वो जिसकी राशि मेष है उनके लिए समय ऐसा रहेगा, जिसकी राशि वृष है उनके लिए समय ऐसा रहेगा। तो उसका क्या तरीका होता है? क्या वो सब चीजें रटी रटाई होती हैं? क्या वो सब चीजें ऐसे ही बोली जाती हैं? तो उनको भी अगर बोलना है तो उसका भी एक साइंटिफिक वे है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसके थ्रू ये सब चीजें बोली जाती हैं। और जब उसको रख के आप बोलेंगे तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ संभावनाएं जो आप बोलेंगे वो होंगी उसके अंदर। हालांकि ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि किसी की राशि कर्क है। अब कर्क राशि तो लाखों लोगों की हो सकती है। अब हम बोलें कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा या आज उनको परेशानी रहेगी, तो जरूरी नहीं कि हर लाखों लोगों को जो कर्क राशि है सभी को परेशानी रहेगी या सभी को कुछ प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन एक फिर भी एक साइंटिफिक तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई आज कर्क राशि वालों के लिए या आज वृष राशि वालों के लिए या आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे बताया जाए। अगर करनी है आपने कुछ भविष्यवाणी है राशि वाइज तो कैसे करें, वो कम से कम एक साइंटिफिक हो, एक लॉजिकल हो और एक ऑथेंटिक टाइप की चीज हो जो कब आपके करीब करीब ठीक पहुंचे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि चंद्रमा का गोचर का ध्यान रखना पड़ता है आपको। चंद्रमा का गोचर हम देखते हैं, कहते हैं चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा का गोचर हमें देखते हैं बहुत जरूरी होती है और जितने भी लग्न हैं सब में चंद्रमा गोचर की प्रधानता होती है। तो आप लोग जानते ही हैं कि चंद्रमा का गोचर जन्मकालीन चंद्र से किस किस भाव में अच्छा होता है। डिफरेंट ग्रहों का गोचर, सूर्य चंद्र मंगल बुध राहु केतु जितने भी ग्रह हमारे हैं उनका गोचर जो जन्मकालीन चंद्रमा है आपका, जिस राशि में आपका जन्मकालीन चंद्रमा है वो उससे किस किस भाव में अच्छा होता है। तो हम जानते हैं कि सूर्य का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे छठे दसवें और ग्यारहवें भाव में अच्छा होता है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं सूर्य का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें भाव में अच्छा होता है। साथ में राहु केतु भी इसी में आ जाते हैं, उनका भी तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें भाव में ही गोचर अच्छा होता है। चंद्रमा का गोचर 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में अच्छा होता है जन्मकालीन चंद्रमा से। मंगल का गोचर, मंगल और शनि दोनों के गोचर 3, 6 और 11 में आ जाता है जन्मकालीन चंद्रमा से, तीसरे छठे और ग्यारहवें भाव में अच्छा होता है। बुध का गोचर अगर आप लगाए तो बुध गोचर में भी आपका अच्छा है, दूसरा, दो के बाद दो और जोड़िए चौथा, फिर दो और जोड़िए छठा, फिर दो और जोड़िए आठवां। तो इस तरीके से अगर आप मतलब बुध गोचर भी लगाएंगे तो आपको एक उसमें पिक्चर मिल जाएगी कि आपका गोचर कहाँ कहाँ ठीक होता है। अब जैसे जैसे आपका शुक्र है, शुक्र गोचर कहाँ कहाँ अच्छा होता है? पहले भाव में चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, आठवें भाव में, ग्यारहवें भाव में और बारहवें भाव में, यानी 1 से 5 तक गिनती गिन लीजिए और फिर 8, 9, 11, 12 इनमें इनका गोचर शुक्र गोचर अच्छा कहलाता है। और बृहस्पति गोचर कहाँ कहलाता है? बृहस्पति गोचर कहलाता है 2, 5, 7, 9, 11 भाव में, दूसरे, पांचवे, सातवें, नवे और ग्यारहवें भाव में जन्मकालीन चंद्रमा से यदि बृहस्पति गोचर करे तो पॉइंट देता है, वो गोचर अच्छा माना जाता है। बुध का मैंने आपको बताई दिया 2, 4, 6, 8, 10, 11। तो इस तरीके से इन सबके गोचर याद रखने जरूरी होते हैं और गोचर याद रख के फिर आपको सिंपल वे में चीजें करनी होती है, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे आज कोई भी राशि कुंडली हम लगा लेते हैं तो उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी कुंडली की, यानी किसी भी राशि में कि उस राशि वाले के लिए आज का फल या आने वाले कुछ समय के लिए कैसा फल उनका रहेगा। तो वो मैं आपको एक कुंडली की सहायता से दिखा देता हूँ। हम आज की एक कुंडली लगा लेते हैं,
जो आज के दिन की कुंडली होगी, ताकि हम आज का ही बता सकें कि किसका भविष्य, किस राशि वाले का भविष्य किस तरह का रहेगा। तो आज की कुंडली इसमें जो भी होगी हम लगा लेते हैं। तो सिंपल है, बट सिर्फ ये गोचर का याद आपको रखना है और ऐसी कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर। सेम आज ही की फाइल खोल लेते हैं जो आज ही हो, डेट आज ही की डेट के हिसाब से, और इसी को कुंडली को बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मतलब देखिए, अब ये आज की कुंडली बनी हुई है। अब इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट राशि वालों के लिए प्रेडिक्ट करना है कि आपका समय आज या आने वाले एक दो दिन के अंदर या आने वाले कुछ महीनों में कैसा रहेगा, क्योंकि कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं जो एक दो दिन में चेंज हो जाते हैं, चंद्रमा जैसे। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो साल भर और ढाई साल भी रहते हैं। तो ये आप इसमें देख के बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर राशि वाले का कैसा भविष्य फल रहेगा आज, कल और कुछ आने वाले समय के अंदर। तो वो कैसे बताएंगे, देखिए वो कैसे बताते हैं। मान लीजिए कि किसी की राशि कुंभ है, मैं कुंभी राशि लगा रहा हूं यहाँ पे, कि मान लिया किसी की राशि कुंभ है। अब कुंभ राशि, जिसकी जन्मकालीन राशि कुंभ है, किसी की जन्मकालीन राशि कुंभ थी, तो हमने कुंभ को ये लगन बना लिया। आज गोचर आज का है, इसको लगन बना लेते हैं कुंभ राशि को। कुंभ राशि को लगन बना के रखा हुआ है। तो ये मान लीजिए किसी व्यक्ति की, किसी जातक की जन्मकालीन राशि कुंभ है। अब जन्मकालीन मतलब जन्मकालीन राशि कुंभ का मतलब ये हुआ कि जन्मकालीन चंद्रमा यहां बैठा हुआ है। तो अब देखिए यहां इस भाव में बैठा है बुध। तो सीधी सी बात है कि बुध के यहां बैठे होने से क्या होगा। देखिए बुध का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे भाव में अच्छा होता है, पहले भाव में अच्छा नहीं होता। ये तो जन्मकालीन चंद्रमा से पहले भाव में गोचर कर रहा है, वो दूसरे भाव में अच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां में थोड़ी से आपको माइनर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बुध जो आपके भाव में बैठा हुआ है उसका गोचर शुभ नहीं है, जन्मकालीन गोचर नहीं है। तो यहाँ थोड़े हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा ये है कि नाम में कमी हो सकती है, ऐसा कुछ कुछ हो सकता है। अब जाएं जैसे मंगल के ऊपर, मंगल के ऊपर जाते हैं, देखिए मंगल एक दो तीस जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे भाव में मंगल का गोचर अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कुंभ राशि वाले के लिए अपने भाइयों से, अपने बहनों से, छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छा रहेगा, अपने जो कंपनी में सेवक हैं या जो लेबर है उनसे रिलेशन अच्छा रहेगा, पराक्रम अच्छा रहेगा, बल अच्छा रहेगा, और अगर खेल कूद में इंटरेस्टेड है तो उसके अंदर भी उनको विजय प्राप्त होगी। फिर हम चलते हैं राहु पे। अब राहु आइए तो चंद्रमा से, जन्मकालीन चंद्रमा से राहु कौन सी राशि में आता है, चौथे भाव में आ गया। तो राहु का गोचर चौथे भाव में अच्छा नहीं है, तीन छह दस ग्यारह भाव में अच्छा होता है राहु गोचर। तो इसका मतलब इस भाव में राहु गोचर आने से क्या होगा कि आदमी का मन में घर में मन नहीं लगेगा, आदमी थोड़ा घर में अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी हो सकती है। तो ये आपको इससे बता दिया। अब इसके बाद आइए चंद्रमा पे। चंद्रमा देखिए कहाँ बैठा है, जन्मकालीन चंद्रमा से चंद्रमा आठवें भाव में बैठा है, और आठवें भाव में जन्मकालीन चंद्रमा से चंद्रमा आठवें भाव में अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से अच्छा होता है एक तीन छह सात दस और ग्यारह भावों में। तो आठवें भाव में चंद्रमा बैठे होने की वजह से आपको थोड़ी पीड़ा हो सकती है, घर में थोड़ा कलह का वातावरण हो सकता है, थोड़ी मेंटल टेंशन भी हो सकती है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, मतलब ये जातक को ये रह सकता है। फिर उसके बाद आते हैं केतु का गोचर। केतु का गोचर अगर देखते हैं तो केतु का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से दसवें भाव में है, और केतु और राहु का गोचर तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें भाव में अच्छा होता है। तो इसका मतलब केतु का गोचर यहाँ अच्छा होने से क्या हुआ कि आपको जो आपका जॉब है या आपका प्रोफेशन है, आपका उसमें जो भी काम आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, जॉब में आपकी तरक्की होगी, प्रोफेशन में आपकी तरक्की होगी, आप जहां जाते हैं जगह जगह काम करते हैं आपका नाम होगा, जो भी काम अपने हाथों में आप लेंगे वो काम पूरा होगा। तो इस तरीके से मोटा मोटा लोग राशि के ऊपर भविष्य बता देते हैं। अब जैसे हम कोई और राशि लेते हैं, मान लिया किसी की राशि सिंह है, जन्मकालीन राशि सिंह राशि है, यानी उसका चंद्रमा जन्मकाल में जो D1 चार्ट में चंद्रमा उसका सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो इसको हम सिंह राशि का यहाँ से चार्ट लगा लेते हैं। अब देखिए, अब हमने ये लगा लिया सिंह राशि का चार्ट। अब इस व्यक्ति के बारे में हम क्या कहेंगे जिनकी राशि सिंह है, आज की डेट में जिनकी राशि सिंह है उनका हम आज का भविष्य मतलब क्या बोलेंगे, आज कल या कुछ महीने का समझ लीजिए आप, थोड़ा सा उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या है,
चरमकालीन चंद्रमा से, चरमकालीन चंद्रमा जो यहाँ बैठा राशि इस राशि में था, उससे चंद्रमा गोचर दूसरा है, और चंद्रमा गोचर दूसरा अच्छा नहीं होता, पहला तीसरा छठा सातवां दसवां ग्यारहवां भाव में गोचर अच्छा होता है। तो दूसरा गोचर अच्छा ना होने की वजह से इस दूसरे भाव के फल इतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे, यानी परिवार में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वाणी में थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, किसी से आप गलत वाणी ना बोल दे, आपको थोड़ा सा कुटुंब में अपने ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलेशंस वगैरह इससे थोड़ा आप कुछ कुछ नीच ना हो जाए, वो सब चीजें मतलब बेसिकली इससे धन की थोड़ी परेशानी हो सकती है, या धन कहीं रुक सकता है आने में, कहीं धन मिलने की संभावना है तो थोड़ा रुकावट हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि चंद्रमा का गोचर जो दूसरे भाव में है वो जन्मकालीन चंद्र से अच्छा नहीं होता। फिर आइए केतु के केस में, केतु का गोचर चौथा है। अब केतु का गोचर चौथा है तो केतु का गोचर चौथा अच्छा नहीं होता, तीसरा छठा दसवां और ग्यारहवां अच्छा होता है। तो उस केस में क्या है कि घर पे मन नहीं लगेगा, माता की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, प्रॉपर्टी वगैरह अगर मान लिया आप आज खरीदने के मूड में है तो आज थोड़ा सा सब्र से खरीदें, देखभाले खरीदें कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सब चीजें इसके अंदर हो जाती है। और फिर इनकी आपको दृष्टि भी लेनी है, दृष्टि भी आप लीजिए तो उस भाव से भी आपको मालूम चल जाएगा कि केतु की दृष्टि अगर हम लें तो एक दो तीन चार पांच आठवें भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो उसका मतलब कुछ कलह कुछ पीड़ा के वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कष्ट हो सकते हैं आपको, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कष्ट वस्ट कुछ ऐसे ना हो, आपको थोड़ा ध्यान से आपको रहना पड़ेगा। फिर आप आते हैं जैसे देखिए वीनस गोचर, वीनस गोचर है ये छठा, चंद्रकालीन चंद्रमा से छठे भाव में गोचर कर रहा है वीनस। अब वीनस गोचर छठा कैसा है, वीनस गोचर छठा तो अच्छा नहीं होता, एक दो तीन चार पांच आठ नौ ग्यारह बारह भावों में अच्छा होता है। तो इसका मतलब यह है कि वीनस से थोड़ा सा आपको मतलब वीनस क्या करेगा कि वीनस से गोचर में आपको थोड़ा सा शत्रुओं से थोड़ा डर दे रहा है, थोड़ा ऋण की ओर भी कर रहा है, खींच रहा है आपको, थोड़ा रोग की ओर भी खींच रहा है आपको, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे शनि बैठा हुआ है और शनि का गोचर छठे भाव में अच्छा होता है जन्मकालीन चंद्रमा से तीन छह ग्यारह भावों में। तो इसका मतलब जो है कि जो वीनस की वजह से या जो जुपिटर की वजह से, जुपिटर और वीनस छठे भाव में गोचर कर रहे हैं जिन्हें गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन शनि की रहने से और साथ में सूर्य के रहने से, क्योंकि सूर्य का गोचर भी तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें भाव में अच्छा होता है, तो इस भाव में शनि और सूर्य दो ग्रह ऐसे हैं जिनका गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा है, और दो ग्रह ऐसे हैं जिनका गोचर छठे भाव में अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि शत्रुता की, ऋण की या रोग की परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ध्यान जरूर रखें क्योंकि देव ग्रह का गोचर थोड़ा गड़बड़ है, तो ध्यान रखें किसी से आप ज्यादा मतलब बोले नहीं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा ना करें किसी से, उसका सावधानी रखें, और ऋण मतलब ना लें थोड़ा अच्छा रहेगा, ताने में दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे इंडाइजेशन हो या कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब अपनी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेंगे, ठीक रहेंगे आप, शत्रु नहीं रहेगा कोई, कोई ऋण नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा, आप बिल्कुल ध्यान रख, पर लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर वीनस और जुपिटर का गोचर इतना अच्छा नहीं है। अब आते हैं बुध पे, बुध का गोचर आता है सातवां। अब सातवां गोचर बुध का इतना अच्छा नहीं होता, बुध का गोचर सातवां अच्छा नहीं होता जन्मकालीन चंद्रमा से, तो वो होता है आपका छठा गोचर अच्छा होता है या आठवां अच्छा गोचर होता है। तो सातवां गोचर अच्छा ना होने की वजह से क्या हुआ कि हो सकता है कि थोड़ा सा अगर कोई बिजनेस पार्टनर आपके साथ है तो उससे थोड़ी सी कुछ कहा सुनी हो, या वाइफ के साथ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कुछ ऐसी बातें ना करें, कोई कहा सुनी ना करें जैसे आर्गुमेंट्स वगैरह हो, वो सब चीजें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि बुद्ध इस भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो बुद्ध की दृष्टि लगन पे है, लेकिन लगन पे दृष्टि होने से बुद्ध एक अच्छा ग्रह है, तो बुद्ध की दृष्टि होने से लगन के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, यानी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं मंगल, मंगल को अगर आप देखें तो मंगल कहां बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है नवे भाव में, यानी मंगल गोचर भी अच्छा नहीं है, मंगल गोचर अच्छा ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये रहेगी कि नवे भाव में कि आप ध्यान रखिए कि पिता की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, कोशिश कीजिए कि धर्म के मार्ग से आप भटके नहीं, ये ना सोचे कि भाई
धर्म से आपका कुछ क्रोध पूजा कर रहे हैं यार, आप आज या नहीं यार मूड नहीं है पूजा करने का, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सब चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखें। तो धर्म के मार्ग से भटके नहीं बिल्कुल भी, पिता की तबियत का, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, इसमें ये हो सकती प्रॉब्लम। लेकिन मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर है, कारक जिसका वो मंगल होता है, तो पराक्रम की कमी नहीं रहेगी, बल की कमी आपके अंदर नहीं रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एनर्जी की कमी आपके अंदर नहीं रहेगी। अब आइए राहु पे। राहु उस केस में बैठा हुआ है आपका दसवें भाव में, और राहु का गोचर 3, 6, 10 और 11 भावों में अच्छा होता है, तो राहु का गोचर इसमें अच्छा हुआ। अब राहु का गोचर अच्छा हुआ तो प्रोफेशन से संबंधित रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। कोई भी कर्म आप काम करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस काम से संबंधित रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपका जो बिजनेस है उसके अंदर तरक्की होगी, आप जिस नौकरी में काम करते हैं, जिस सर्विस में काम करते हैं, उसके अंदर आपकी तरक्की होगी, उसमें अच्छे चांस आपके मिलेंगे, आपको अच्छा, अगर प्रमोशन आपका ड्यू है तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इससे ये निकल गया, तो इन्हीं ग्रहों से आप, मतलब इन्हीं ग्रहों से चंद्रमा के गोचर के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि कैसे कुंडली में आपको मतलब महसूस होगा, कैसे आपको पता चलेगा चीजों का। तो ये एक मोटा मोटा मतलब वो है जो कि ज्योतिष लोग टीवी पे नॉर्मली करते हैं कि आज कर्क राशि वालों के लिए ऐसा रहेगा, आज सिंह राशि वालों के लिए ऐसा दिन रहेगा, आज मकर राशि वालों के लिए ऐसा दिन रहेगा। तो मैंने वो बताया कि वो किस बेस पे होना चाहिए। कई जगह तो जो करते हैं वो उसमें आप विश्वास मानिए कि वो बिल्कुल अब्रप्ट कर देते हैं उसको, आप देखेंगे तो कुछ रटे-रटाए सेंटेंस होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है इसके अंदर कि ये मतलब हर कर्क राशि वाले के लिए या हर सिंह राशि वाले के लिए सही हो, लेकिन फिर भी दिस इज द राइट वे टू प्रेडिक्ट, कि कम से कम एक लॉजिक से आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आज सिंह राशि वालों के लिए या आज मकर राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।